जगह पर बोगस उम्मीदवार को परीक्षा में बिठाकर एक युवक टॉपर बन गया, लेकिन जब दस्तावेज खंगाले गए तो फर्जीवाड़ा सामने आया। इसकी जानकारी डीसीपी नूर हसन ने दी। पेट्रोल के दाम केवल 100 रुपए प्रति लीटर के करीब जाने से ही लोगों का पूरा बजट बिगड़ा हुआ है, किंतु आश्चर्यजनक यह भी है कि सिटी में तमाम विरोधाभास के बावजूद 160 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल भी बिक रहा है। केंद्र सरकार के गृह निर्माण व शहरी विकास मंत्रालय की ओर से देश के बड़े 111 शहरों में रहने योग्य सुलभता निर्देशक और महानगर पालिका कामगिरी निर्देशक के परिणामों की घोषणा की गई। हालांकि वर्ष 2019 में शहर 21वें नंबर पर था, जो अब 25वें नंबर पर आ गया है। नौकरी दिलाने का झांसा देकर अज्ञात आरोपी ने एक युवती को लगभग 1 लाख रुपए का चूना लगा दिया। सदर पुलिस ने वली अपार्टमेंट छावनी निवासी मायरा भामगारा की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। यशोधरा नगर थाना क्षेत्र में बुधवार की रात बर्थडे पार्टी के दौरान एक युवक छत से नीचे गिर गया। उपचार मिलने से पहले ही उसकी मौत हो गयी। आरटीएम नागपुर विवि ने शीत सत्र 2020 की प्रैक्टिकल और लिखित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा के सभी सेमेस्टर व वार्षिक पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण छात्रों की शीत सत्र परीक्षा ऑनलाइन, ऑफलाइन या मिक्स मोड द्वारा कॉलेज स्तर पर ली जाएगी। सक्करदरा तालाब को बचाने के लिए अब युवाओं ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। युवा चेतना मंच के बैनर तले युवाओं ने मौन रहकर लेक को बचाने की मांग उठाई। सब्जी की दुकान लगाने को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी ने पिता पुत्र पर सब्बल से जानलेवा हमला कर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया। पुलिस ने शेषनगर निवासी शेख रफीक शेख वकील की शिकायत पर मामला दर्ज किया। आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सीनेट बैठक का आयोजन 9 व 10 मार्च को किया गया है। बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए बजट प्रस्तुत किया जाएगा। गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर मनपा की ओर से साइकिल रैली का आयोजन किया गया, किंतु इस साइकिल रैली के माध्यम से सुरक्षा को लेकर जन जागृति होने का किया गया दावा अब चर्चा का विषय बना हुआ है।